दोस्तों आज के समय में बहुत सारे लोग एआई राइटर्स का यूज करके जो है अपने आर्टिकल्स को लिख रहे हैं, और इसके ऊपर बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोज़ भी हैं कि आपको यूज करना चाहिए कि नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि एआई राइटर्स टूल्स आज के समय में आपके ब्लॉगिंग को बहुत ही आसान कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर गूगल क्या कहता है और आपको जो है क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि जब आप एआई राइटर्स का यूज करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा अगर आप एआई का यूज करके आर्टिकल्स को लिखना पसंद करते हैं या फिर आप ब्लॉगिंग में फास्ट सक्सेस को चाहते हैं, तब भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं खुद एआई राइटर्स का यूज करके मैं आर्टिकल्स लिख के उसको रैंक करा देता हूँ, एंड उस पर मुझे एडसेंस को लेकर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, और अभी तक तो कोई नहीं आया है। इवन मेरे ब्लॉग पोस्ट रैंक भी करते हैं, और इसके कई सारे प्रूफ्स हैं जो मैं दिखाता तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बने हुए हैं, वो लोग जानते हैं। सो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, कोई कॉमेंट हो तो नीचे कॉमेंट करके जाना, कोई क्वेरी हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर @ब्लॉगिंग कैरियर से आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ब्लॉगिंग में एआई राइटर्स आपकी बहुत मदद करते हैं आपके ब्लॉग्स को फास्ट लिखने में, ठीक है। अभी के लिए आपने चैट जीपीटी को देखा कि कितना ज़्यादा उसने गूगल को हैम्पर कर दिया, उसके बिजनेस में काफ़ी गिरावट आया। इसके अलावा चैट जीपीटी को बहुत ही बल्क में यूज किया जा रहा है कंटेंट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, फिर वो चाहे उसमें कोड्स हों, क्योंकि उसमें आपको पता है कोड वगैरह टेबल फॉर्मेट्स में आपके आर्टिकल्स और आपके क्या क्या चीज़ें वो बना के दे दे रहा है, तो ये सभी एआई राइटर टूल्स के लिए आसान नहीं है। इसीलिए चैट जीपीटी को बहुत ही कम समय में मिलियंस लोगों ने जो है उसको कर लिया, क्योंकि उसने आसान कर दिया सारे प्रोसेसेस को, ठीक है। और अभी पवन अग्रवाल सर के चैनल पर एक वीडियो आया था जिसमें एक लड़का था जो चैट जीपीटी की मदद से ही अपने ब्लॉग्स को रैंक करके बहुत पैसा कमा गया, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ ये बता दूं कि जब इस पॉइंट पे गूगल सर्च कंसोल के एडवोकेट जिनको जॉन मिलर को कहा जाता है, उनसे जब बात हुई थी एआई राइटेड टूल्स के लिए, तो उन्होंने बताया था कि ऑटोमेटेड जनरेटेड कंटेंट्स जो होते हैं उसको एआई जनरेटेड कंटेंट्स की तुलना में बराबर रखा गया है, ठीक है। यानी कि गूगल जो है ऑटोमेटिक जनरेटेड कंटेंट्स को ही एआई जनरेटेड कंटेंट्स मान रहा है, ठीक है। अगर आप एआई टूल्स का यूज करके कंटेंट्स को बनाते हैं तो गूगल उसको स्पैम ही मानता है। ऑटोमेटेड जनरेटेड कंटेंट का मतलब होता है कि आप कोई प्रोग्रामिंग के जरिए कंटेंट को जनरेट कर रहे हो, और इसका अगर आपको पूरा फुल डिटेल चाहिए तो आप गूगल की पॉलिसी सेंटर पे जाके आप ऑटोमेटेड जनरेटेड कंटेंट्स की पूरी जानकारी आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। सो गाइस, ये ऑटोमेटिक जनरेटेड कंटेंट्स को गूगल स्पैम मानता है। गूगल ने जब 2011 में अपना एक एल्गोरिदम जिसका पांडा था, जब उसको उसने बनाया था, तो उसमें उसने क्वालिटी के ऊपर फोकस करने के लिए इस एल्गोरिदम को निकाला था, ठीक है। इस गूगल अपडेट की वजह से गूगल के सर्च रिजल्ट्स में बहुत सारी वेबसाइट्स की रैंकिंग पे बहुत इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि इसमें गूगल ने क्वालिटी कंटेंट्स और जो लो वैल्यू कंटेंट थे उनको जो है डिफरेंशिएट किया था। सो जॉन मिलर से इस बात को भी पूछा गया था कि क्या अभी गूगल के पास ऐसा कोई टूल है, ऐसा कोई एल्गो है या फिर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए वो ये पता कर पा रहा है कि ये ह्यूमन जनरेटेड है या फिर ये किसी एआई के जनरेटेड कंटेंट है। सो जॉन मिलर ने बताया कि अभी गूगल के पास ऐसा कोई टूल नहीं है जिसके जरिए इस चीज़ को उसने जैसे कि एग्जामिन कर ले, बट हाँ, अगर आप एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आप इस तरह से ज़्यादा कंटेंट लिख रहे हो एआई से, तो आप समझ लो कि आप बस स्विम कर रहे हो किसी बहुत दलदल वाली नहर में, अगर कभी भी पता चलेगा तो आप 100% डूब जाओगे, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी जो जॉन मिलर के साथ बात हुई वो मैंने आपको बता दिया गूगल एआई के जरिए, लेकिन बात ये है दोस्तों कि जब भी आप एआई जनरेटेड सॉरी एआई राइटर्स का यूज करते हैं, तो एआई जो टूल्स होते हैं वो भी वेब में जाके जितने भी वेब पेजेस हैं अक्रॉस सारे सर्च रिजल्ट्स में आते हैं उनको वो स्टडी करते हैं, ठीक है। इन एआई राइटर्स को भी आपको एक कमांड देना पड़ता है, आपका एक अपना प्रॉम्प्ट होता है जिसके जरिए आप ये बना लेते हो कि अब आपको ये कमांड देना है, और आपके लिए वही वो लिखता है। सो इनको कमांड देने की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। सो अगर आप कमांड देना सही जानते हो तो आप इन एआई राइटर्स का भी यूज कर सकते हो। बहुत बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है और आप यूज करेंगे, आप ऐसा नहीं है कि आप इनको जो है पूरा 100% छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं है। आप इसके जरिए एक अच्छा टाइटल हेडलाइन निकाल सकते हो, आप मेटा डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हो, इसके अलावा आप अपना आउटलाइन बना सकते हो, आप प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, प्रोज एंड कॉन्स, इन सब चीज़ों को भी आप लिख सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको लिखना पड़ता है जो कि करेंटली अपडेटेड होते हैं कंटेंट्स में, जो कि ट्रेंड्स में अगर कोई डेटा है तो उसको आपको अपने कंटेंट में डालना है, तो ऐसे कंटेंट्स को तो एआई नहीं लिखेगा, ठीक है, क्योंकि वो भी पढ़ के ही लिख रहा है।
बस वो उसको रीराइट करके अपने अकॉर्डिंग उसके जो एल्गोरिदम जिस तरह से उसको सेट किया गया है वो उसी के अकॉर्डिंग लिख रहा है। सो गाइस, एआई राइटिंग टूल्स जो है बुरे नहीं हैं, लेकिन आपको इन पॉइंट्स को ध्यान देना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तभी आप एआई राइटर टूल्स का यूज करके एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हो। इसमें जो ये 4 से 5 पॉइंट्स हैं, इसको मैंने खुद से और कुछ एक्सपर्ट्स के पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स भी पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं इन सब पॉइंट्स को ध्यान देते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये पॉइंट्स आप ध्यान दीजिए और आप एआई का यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में मैं आपको कुछ एआई टूल्स बताऊंगा जिनको आप यूज कर सकते हो अभी के लिए ब्लॉगिंग में, और अपने ब्लॉग पोस्ट को मात्र 15 से 20 मिनट में भी आप लिख सकते हो। सो चलिए मैं आपको कुछ 4 to 5 पॉइंट्स बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है वो है दोस्तों कि आपको अपने कंटेंट्स को जो है रीअरेंज करना आना चाहिए। ठीक है, देखिए जब आप पहले से खुद से आर्टिकल लिख लेते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि कौन से पॉइंट्स को कहाँ पे लिखना है, कौन से हेडिंग्स को किसके बाद रखना है, तब जाके हमारे यूजर्स को ज़्यादा इंटरेक्शन मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है, क्योंकि वो एआई है, उसने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया है, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि हमारे यूजर्स किस पॉइंट को पहले पढ़ना पसंद करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप उसमें जो वर्ड्स लिखे गए हैं, जो उसमें सेंटेंसेस लिखे गए हैं, उनको भी आपको देखना है कि इसमें ये चीज़ जो है आपको कब लिखना है कब नहीं लिखना है। इन सब चीज़ों को आपको अरेंज करना पड़ेगा। कुल मिला के आपको अरेंजिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा अपने वर्ड्स के, सेंटेंसेस के, और इवन आपके कंप्लीट हेडिंग्स को भी, पैराग्राफ्स को भी, कि कौन सा पहले रखना है कौन सा नहीं। सो रीअरेंजिंग का आपको काफ़ी ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है गाइस कि आपको रिमूव करना है, ट्रिम करना है अपने उन कंटेंट्स को जिसको अनवांटेड लग रहा है। ठीक है, जो कि लग रहा है कि ये लिखना नहीं चाहिए था, फिर भी एआई ने जो है इसको लिख दिया अपनी तरफ से कुछ समझ के। तो आपको जो है ऐसे कंटेंट्स को, अनवांटेड कंटेंट्स को हटा देना चाहिए। अगर आप इनको रखेंगे तो आपको कई बार देखिए जब एरर आता है तो आपके रीडिंग्स में एरर आता है। ठीक है, रीडिंग एरर आता है आपको। आप जब योस्ट एसईओ या फिर रैंक मैथ कोई भी यूज करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि आपका पैसिव वॉइस ज़्यादा बढ़ गया है, ट्रांजिशन वर्ड्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, या फिर 300 वर्ड से ज़्यादा आपका एक पैराग्राफ हो गया, तो इसीलिए होता है। आप इनको ट्रिम कर देंगे तो आपका वो रीडिंग स्कोर भी अच्छा हो जाएगा। अब बात आती है दोस्तों तीसरे पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट है गाइस कि आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी चेक करना है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वैसे जल्दी होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप ग्रामरली जैसे टूल्स को यूज करके, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स को यूज करके आप अपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी हटा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है गाइस, वो है आपको जो है इन एक्यूरेसीज को जो है इसमें चेक करना है। ठीक है, अगर आपकी कंटेंट एक्यूरेट नहीं है, अगर आपका कंटेंट एक्यूरेसी के साथ नहीं है, तो आपको उसको चेक करना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि जब एआई राइटर टूल्स होते हैं तो वो लोग इवन मतलब लोगों का नाम ही गलत बता देते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ भी गलत बता देते हैं, उनका पूरा मतलब कि समझ में नहीं आता है कि ये डेटा वो लोग कहाँ से उठा लिए। देखिए वो एआई है, उसने कई सारे वेब पेजेस को पढ़ा। ठीक है, अब उसमें मान लीजिए कि आपने कहा कि इस पार्टिकुलर कंपनी के फाउंडर ये थे, लेकिन हो सकता है कि वो फाउंडर कोई और बना के लिख दिया। ठीक है, या फिर कई बार होता है कि इनका डेट ऑफ बर्थ ये था तो वो उनका डेट ऑफ बर्थ नहीं मिलके कोई दूसरा डेट ऑफ बर्थ उठा लेता है। अब कोई भी हो, सचिन कुमार के नाम, सचिन तेंदुलकर के नाम से मान लीजिए कोई और होगा, या फिर कोई जैसे हम लोग कॉमन नेम्स हैं, जैसे मेरा नाम अनुज कुमार है तो मेरे नाम से कोई और होगा, तो जो कोई भी होगा जिसके सामने उसका डेट ऑफ बर्थ आएगा वो उसको पढ़ के मिसमैच हो जाएगा, तो फिर वो किसी का भी डेट ऑफ बर्थ लिख देगा। सो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है कि आपका जो एक्यूरेट कंटेंट है वो एक्यूरेट हो, इसीलिए आप कंटेंट्स को खुद से पढ़िए। ठीक है, अब हमारे पास जो पांचवा पॉइंट आता है गाइस, उसमें होता है कि आपको इमोशंस को ऐड करना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि एआई नहीं कर पाता है, वही है गाइस कि आपके एफिलिएट कंटेंट्स में आपको जब इमोशंस आप डालते हो तो उसमें ज़्यादा सेल आने के चांस होते हैं। आप डिजायर्स को समझते हो, आप लोगों की भावनाओं को समझते हो, इसलिए आप कंटेंट में इमोशंस को ऐड कर पाते हो, लेकिन एआई नहीं कर पाता है। यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इमोशंस को ऐड करो, अपने टोन को ऐड करो, जिससे कि लोग उससे प्रभावित हों कंटेंट से। और ऐसा करने के लिए आपको ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़े बहुत पैराग्राफ तो लिख ही सकते हो, आप बाकी एआई से लिखो, लेकिन आप जहाँ पर लगे कि यहाँ पर मुझे सेल करनी है, यहाँ पर मुझे ऐसे पॉइंट्स को लिखना चाहिए जिससे कि यूजर इंटरेक्ट रहे, तो आप उस पॉइंट को लिख सकते हैं। एआई आपके लिए कुछ है नहीं गाइस, आपको जो है बस आप एक कैटालिस्ट कह सकते हो जिससे आपका काम और तेज़ी से हो रहा है। ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं है। आपको एआई की मदद से आर्टिकल जल्दी लिखने में मदद हो सकती है, लेकिन आपको अपना पॉइंट जरूर ऐड करना है, तभी आप एक अच्छा राइटिंग कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों ये 5 पॉइंट जो मैंने आपको शेयर किए, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है, आपसे एआई राइटर्स में कभी गलती नहीं होगी। एआई राइटिंग तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन इन चीज़ों को ध्यान देंगे तो आपको कभी गलती नहीं होगी और आप सही आर्टिकल एआई से भी लिख दोगे। अब बात आती है दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट एआई राइटिंग टूल्स कौन से हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। तो मेरी नज़र में अभी तक मैंने बहुत सारे एआईज को यूज किया है, हालांकि मैंने सबका पेड वर्जन नहीं यूज किया है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ एआईज का पेड यूज किया, कुछ का फ्री यूज किया, लेकिन मुझे अभी तक
जैस्पर और एनी वर्ड से बेहतर एआई राइटिंग टूल नहीं मिली मार्केट में। और गाइस मैं हमेशा जैस्पर और एनी वर्ड में भी जैस्पर को ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि एनी वर्ड जो है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ सकता है, और जैस्पर आपके लिए बेस्ट है, आप जैस्पर से यूज कर सकते हैं। और इसको इसको रिकमेंड करने का एक और भी मतलब होता है कि इसको गूगल के द्वारा भी अप्रूवल है। सो जैस्पर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जैस्पर के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं एंड एआई से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आपका पैसा लगेगा, मैं स्टूडेंट्स को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं इसको प्रोफेशनल्स के लिए रिकमेंड करता हूँ जो लोग पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। और जो लोग नहीं कमा रहे, जो ब्लॉगिंग में अभी अभी जुड़े हुए हैं, जिनके पास बजट नहीं है वो ना यूज करें, जो कुछ कमा रहे हैं या फिर जिनके पास बजट है जो यूज कर सकते हैं 3-4 हज़ार रुपये पर मंथ के टूल को, तो वो जाके डेफिनेटली उसको यूज करें, उसमें उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया हुआ है, जैस्पर उनको रिजल्ट देता है गाइस, और आप सभी लोग जैस्पर को यूज करें। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे डेफिनेटली कॉमेंट कर सकते हैं एंड मैं आपकी मदद करूँगा जैस्पर से लिखने में भी। सो गाइस आप इन सभी चीज़ों को अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ आप अपने आर्टिकल को तैयार कर पाते हैं। इसके अलावा आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगा एआई से लिखने में। मेरी अपनी एक दो खुद ऐसी साइट्स हैं जिनपे मैं जो है आर्टिकल डाल रहा हूँ सिर्फ एआई की ऊपर, और सारे के सारे आर्टिकल्स रैंक भी कर रहे हैं। और उसके अलावा उन आर्टिकल्स पे मैं जब एडसेंस अप्रूवल पे डालता हूँ तो मुझे एडसेंस भी मिलता है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मैंने इसके ऊपर बहुत पहले अपनी वीडियो भी डाली थी कि एआई से ही मैंने अप्रूवल लिया हुआ है और वो पॉसिबल है, आप सभी लोग ले सकते हो, मैंने जो चीज़ आपको बताई अगर आप इनको ध्यान देते हो। सो गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कीवर्ड रिसर्च सही से करें, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, आप कीवर्ड सही से निकालें एंड इन पॉइंट्स को ध्यान देते हुए एआई से आर्टिकल लिखें, आपको मदद मिलेगी। मैं चैट जीपीटी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन आप बीच बीच में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं जब जैस्पर का यूज करता हूँ तो ऐसे में मैं कभी जब स्पेसिफिकेशंस लिखने हैं मुझे टेबल में मैं लिखता हूँ तो चैट जीपीटी यूज करता हूँ, और कभी जैसे मैं प्रोडक्ट डिटेल्स लिखता हूँ या फिर जो टेबल फॉर्मेट्स में मोस्टली चीज़ें होती हैं उनको मैं चैट जीपीटी से लिखवा लेता हूँ। इसके अलावा कभी कभी प्रोज एंड कॉन्स लिखवा लेता हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा चैट जीपीटी का यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे उनके कंटेंट्स पे बहुत ज़्यादा इतना बिलीव नहीं होता, क्योंकि एआई राइटिंग टूल्स में मैं सिर्फ जैस्पर और एनीवर्ड को ही सपोर्ट करता हूँ। सो आप सभी लोग जैस्पर को यूज करें, कोई क्वेरी हो तो नीचे कॉमेंट करके जाएगा, ये फीडबैक आप शेयर कर सकते हैं, जिसके बाद अगर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आता है तो मैं 100% बोल रहा हूँ कि मैं ऐसे टूल्स को रिकमेंड करना बंद कर दूंगा। सो थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, थैंक यू।